अजमेर बोर्ड के बारे में बताते हैं कि ये कौन कौन से और कितनी किस्म के हैं। ये एक इंटेल चिपसेट के साथ मदरबोर्ड है। इंटेल 815 के इसको ड्राइवर लगेंगे और ये इसकी मेन चिप है, यहीं से इसको ड्राइवर लगेंगे। और ये IDE1 हार्ड ड्राइव के लिए और IDE2 सीडी रोम के लिए, ये दोनों। और ये पावर कनेक्टर और ये फ्लॉपी ड्राइव के लिए, और ये डिम स्लॉट हैं रैम लगाने के लिए, और यहाँ पे इसका प्रोसेसर लगाया जाता है, सॉकेट प्रोसेसर। और ये PCI स्लॉट कहलाते हैं, तीनों PCI स्लॉट हैं। और ये इसका बैटरी सेल है। ये इंटेल चिपसेट के साथ मदरबोर्ड है। इसमें ऑडियो के ड्राइवर यानी कि इंटेल 810 और इंटेल 15 के ऑडियो के ड्राइवर रियल टेक AC97 यानी कि पेंटियम 4 के ड्राइवर लगाए जा सकते हैं। और ये वाइट फ्लॉपी ड्राइव के लिए, ये IDE1 हार्ड ड्राइव के लिए और IDE2 सीडी रोम के लिए, और ये साथ रैम लगाने के लिए डिम स्लॉट हैं। और ये इसकी मेन चिप है इंटेल 810, यहीं से इसके VGA के ड्राइवर लगाए जाते हैं। और ये पावर कनेक्टर है। और ये PCI स्लॉट कहलाती हैं जो वाइट हैं, ये तीनों PCI स्लॉट। ये यहाँ पे VGA मॉडम और साउंड के लेदर से कार्ड लगाए जा सकते हैं, इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इसकी बैक साइड है। सभी बोर्ड की तकरीबन एक जैसी बैक साइड होती है। ये VI चिप्स के साथ मदरबोर्ड है और ये इसकी मेन चिप, यहीं से इसके VGA के ड्राइवर लगाए जाएंगे। और ये इसकी AGP स्लॉट कहलाती है, ये सिर्फ VGA के लिए। और ये इसकी आयदा स्लॉट है, आयदा स्लॉट में जो भी कार्ड लगाएं वो ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। अक्सर सुना होगा कि बिल्टन बोर्ड क्या है। ऐसे बोर्ड जिनका VGA और साउंड कार्ड बोर्ड के अंदर ही फिट हो, उसे बिल्टन बोर्ड कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बिल्टन बोर्ड है, इसके पीछे तो कोई ऑप्शन दी नहीं। ये ऐसे बिल्टन बोर्ड है, ये देख, जिसमें VGA लिखा होगा उसके लिए ये कनेक्टर है, ये वाला, ये देख, इसको इस तरह फिट कर देना। इसके बाद माउस कनेक्टर, जिस पर यहां कॉम लिखा होगा, COM1, इसको वहां फिट कर देना। ये इसके लगाने का तरीका कार है, ये भी लग गया, ये माउस के लिए, सीरियल माउस के लिए। इसके बाद ये प्रिंटर पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट जिसको कहते हैं, इसका लगाने का तरीका है। ये प्रिंटर लिखा हुआ होता है, ये देख,
जिस जिस जगह लिखा होता है वहाँ ये लगा लगाई जाती हैं। ये देखें प्रिंटर के लिए, और ये गेम पोर्ट और साउंड आउट इन वगैरह के लिए ये कहाँ लगाई जाती है, ये जिस जगह ये बच जाए ऑप्शंस वहाँ लगाई जाती हैं। ये देखें ये भी लग गए, और ये भी एक बिल्टन बोर्ड कहलाता है। पेंटियम 4 के बोर्ड की पहचान सीखते हैं कि ये कैसा है। ये पेंटियम 4 का बोर्ड है और ये इसका लेआउट है। यहाँ पर प्रोसेसर लगाया जाता है, यही इसकी खास पहचान है। ये देखें, और जहाँ प्रोसेसर लगाने की साकट है ये बिल्कुल छोटी सी होती है। और ये इसके मेन चिप है, यहीं से इसके वीजीए के ड्राइवर लगाए जाते हैं। और ये इसकी बैक साइड है, बिल्कुल पेंटियम 1, 2 और 3 के बोर्ड जैसे कि इसकी बैक साइड है। और ये इसकी रैम लगाने की डिम स्लॉट है। और ये इसके पावर कनेक्टर है।